गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द इंटर वॉर इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। ये इंटर वॉर इकोनॉमी टर्म एक्चुअली में है क्या और इसने कैसे ग्लोबल वर्ल्ड को ग्लोबल कैसे बनाया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 18, पहला जो विश्व युद्ध था हमारा 1914 से लेके 1918 तक हुआ, वाज मेनली फोर्ट इन यूरोप। और ये भी हमें पता है कि मेनली कहाँ पे हुआ, यूरोप में हुआ था, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ही लड़ा गया था ये ज़्यादातर विश्व युद्ध। इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। और लड़ा कहाँ पे गया था, ये यूरोप कॉन्टिनेंट पे। बट इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना वो संसार के ऊपर पड़ा। युद्ध कहाँ हुआ, यूरोप में, और प्रभाव उसका कहाँ पड़ा, वर्ल्ड में, इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। इंटर वॉर इकोनॉमी कैसे हुआ इसके अंदर, नोटेबली फॉर आवर कंसर्न्स इन दिस चैप्टर। हाँ जी, नोटेबली फॉर आवर कंसर्न इन दिस चैप्टर, इट प्लंज द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इनटू अ क्राइसिस दैट टुक ओवर द डिकेड्स टू ओवरकम। तो नोटेबली इसमें क्या हुआ, देखो नोट करने वाली बात क्या हुई कि जो ये वॉर हुए थे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर आते तक क्या हुआ, जो हमारा जो 20th सेंचुरी थे ना, हाफ 20th सेंचुरी में ना इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा लॉस हो गया कि जिसको ओवर करने में 10 को लगे, काफ़ी साल लगे उसको ओवरकम करने में, काबू करने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और इसी दौरान, इसी समय के दौरान क्या हुआ, पूरे संसार में जो इकोनॉमिक और पोलिटिकल थी, इकोनॉमिक और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी होती है एक स्थान पर रहना, लेकिन इंस्टेबिलिटी होती है चेंज होगी, मतलब लचीली होगी, पता नहीं किस टाइम पर कौन सी सरकार गिर जाए, किस टाइम पर क्या आर्थिक संकट आ जाए, उसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी। एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक वॉर, और एक और दूसरा विनाशकारी युद्ध के भी परिणाम निकल गए, आ गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1980 तक, उसके बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे 1929 में वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन हो गया, संसार में सबसे बड़ी आर्थिक महामंदी आ गई 1929 में हुआ था, 28 से स्टार्ट हो गया था 1929 के आसपास। अमेरिका की जो ग्रेट वॉल स्ट्रीट थी ना, वो क्या होगी, धराशायी होगी, वहाँ पे शेयर्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से ही वहाँ पे जो जर्मनी में आपको पता है, यूरोप में, यूरोप के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा, एशिया के ऊपर भी पड़ा, लेकिन मोस्टली यूरोप के ऊपर पड़ा जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड था। आपने लास्ट उसमें पढ़ाई था कि अमेरिका का ट्रेड बढ़ने लग गया था 20th सेंचुरी में। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, और इस युद्ध ने कैसे चेंज किए, कैसे बदलाव किए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो वॉज फोर्ड बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। आपको पता है ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो मेनली दो पावर ब्लॉक्स में होता, दो ब्लॉक, ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा वो थे, कंट्री थे, और उनके दो ब्लॉक बने हुए थे अलग अलग, ठीक है। ऑन द वन साइड वर द अलाइज, एक तरफ तो क्या थी, अलाइज फोर्सेज थी, जिसमें कौन से कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस एंड रसिया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड लेटर ज्वाइंट बाय द यूएसए, और बाद में यूएसए भी इसके अंदर शामिल हो गया। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड, वहीं दूसरी ओर, दूसरी तरफ क्या थे, वर द सेंट्रल पावर्स, वहाँ पे सेंट्रल पावर्स थी, केंद्रीय शक्तियाँ थी, ध्रुवीय शक्तियाँ बोलते हैं जिनको, वो कौन कौन सी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन टर्की, एक तरफ ये थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन टर्की, सारे के सारे देश कौन से हैं यहाँ पे, यूरोपियन कंट्री है, बट एक्सेप्ट वन, यूएसए, यूएसए नहीं था, यूएसए तो कौन सा है, नॉर्थ कॉन्टिनेंटल कंट्री है ना यूएसए तो, और ये बाकी क्या है, हमारे सारे के सारे कंट्रीज के अंदर सेंट्रल पावर के भी और अलायंस पावर के भी कौन है, यूरोपियन। When the war began in August 1914, जब ये युद्ध शुरू हुआ अगस्त 1914 में, many governments thought it would be over by Christmas. सभी ने ये सोचा था कि अगस्त में शुरू हुआ
तो ये क्रिसमस तक यानी कि 25 दिसंबर तक आते आते ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इट लास्टेड मोर देन 4 ईयर्स, लेकिन यह तो ख़त्म होने में इसको 4 साल से ज़्यादा लग गए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज वॉर लाइक नो अदर बिफोर, और पहला विश्व युद्ध ऐसा युद्ध था जैसा कि आज तक वर्ल्ड ने देखा ही नहीं था, ठीक है। द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, और यहाँ पे फाइटिंग किन की थी, जो देश के अंदर सबसे बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस थे, यानी कि उद्योग, जिन देशों के उद्योग धंधे काफ़ी ज़्यादा चले हुए थे वर्ल्ड में, अब वही राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। विच नाउ हार्नेस द वास्ट पावर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमीज, जो कि क्या कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, हार्नेस का मतलब क्या था, कंट्रोल कर सकते हैं, द वास्ट पावर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, आज के टाइम में भी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है ना, उन सब के ऊपर कंट्रोल इन्हीं देशों का है, ठीक है। टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन टू देयर एनिमी, जिससे कि वो अपने एनिमी को है ना बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हानि पहुँचा सकते हैं अपने ट्रेड वॉर से ही। कैसे पहुँचा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देखो अभी। हाँ जी, दिस वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह युद्ध पहला एक टाइप का इंडस्ट्रियल वॉर था, यानी कि औद्योगिक युद्ध था, ठीक है। इट सा द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा, इसमें हमने देखा, इस युद्ध ने हमें दिखाया गन, मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, केमिकल वेपन्स, जो आज तक किसी ने देखे नहीं थे, जो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध यूज हुए थे, उससे पहले युद्ध ये इनका यूज नहीं हो रहा था, समझ रहे ना, मशीन गन वगैरह का, टैंक्स का, उस टाइम पे पुराने हथियार ही यूज करते थे मोस्टली, तो पहले तो वही यूज करते थे बंदूक के, उससे पहले तलवारें वगैरह यूज करते थे। ऑन ए मैसिव स्केल, और यहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ इनका युद्ध, इनका यूज काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ। दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और ये आज भी क्या है, ये प्रोडक्ट किसके थे, मॉडर्न लार्ज इंडस्ट्री के, बहुत बड़ी बड़े क्षेत्र पे बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन करते हैं उन कंपनियों ने इनका क्या किया, प्रोडक्शन किया इन हथियारों का। टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर हैड टू बी रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और इस युद्ध को लड़ने के लिए करोड़ों लोगों को, करोड़ों सोल्जर्स थे, लाखों सोल्जर थे, उनको क्या किया यहाँ पे, रिक्रूट किया, आर्मी में उनको लगाया गया, एंड मूव टू द फ्रंट लाइन टू लास्ट शिप एंड ट्रेन्स, और उनको युवाओं को आर्मी में रिक्रूट करके उनको फ्रंट लाइन पे यानी कि युद्ध के क्षेत्र बॉर्डर पे उनको भेजा गया, शिप के थ्रू भी और रेलवे लाइन के थ्रू भी। अब देखो वर्ल्ड वॉर तो हुआ वहाँ यूरोप में, वहाँ भी फोर्ट किया जा रहा था, तो इंडिया से रिक्रूट करके सोल्जर्स को वहाँ पे भेजा गया फ्रंट लाइन पे, ऑलमोस्ट अराउंड द ऑल वर्ल्ड रिक्रूट कर करके लोगों को वहाँ पे भेजा गया था लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एंड द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, 9 मिलियन डेथ एंड 20 मिलियन इंजर्ड, और यहाँ पे डेथ का और डिस्ट्रक्शन का स्केल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, 90 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, तो 90 मिलियन डेड हुए यहाँ पे, 20 मिलियन इंजर्ड हुए, वॉज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म, और इतने लोगों की डेथ तो पहले ना सोच भी नहीं सकते थे, और ये सिर्फ किसकी वजह से हुई, जो इंडस्ट्रियल आर्म थे ना, जो ये फैक्ट्रियों ने जो हथियार बनाए इनकी वजह से यह पॉसिबल हो चुका, अदरवाइज इतने लोग नहीं मरने की सोच ही नहीं रहे थे पहले तो लोग, लेकिन देखा ना केमिकल वेपन है यहाँ पे, मशीन गन है यहाँ पे, टैंक्स हैं यहाँ पे, एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, हाँ इन्होंने तो, इनकी वजह से तो ये पॉसिबल हुआ। हाँ जी, हाँ जी, मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ द वर्किंग एज, तो यहाँ पे है ना बहुत सारे जो वर्किंग एज के यानी कि जो युवा व्यक्ति थे, वर्किंग एज वो होते हैं जो युवा व्यक्ति होते हैं, यंग मैन थे वो, या तो बहुत ज़्यादा मारे गए इसमें या फिर वो मेम्ड हो गए, मेम्ड का मतलब क्या होता है, घायल हो गए, अपंग हो गए।
दीज डेथ एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्क फोर्स इन यूरोप। और यूरोप में तो क्या हो गया कि यहाँ पे है ना जो एबल्ड बॉडीड पर्सन थे यानी कि यंग युवा व्यक्ति थे वो बहुत कम रह गए स्वस्थ, क्योंकि या तो मर गए बहुत सारे या फिर वहाँ पे जो लोग बचे ना वो ऐसे थे अपाहिज से रह गए, किसी का हाथ कट गया, किसी के पैर चला गया, किसी का कुछ, क्योंकि वॉर में इंजर्ड हुए थे ना वो। विद फ्यूअर नंबर्स विद इन द फैमिली हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइन आफ्टर द वॉर। अब मेंबर कम रह गए फैमिली में तो जिसकी वजह से क्या हो गया वहाँ पे हाउस होल्ड इनकम थी वो डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। डिक्लाइन का मतलब कम हो गई। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्री वर्क रिस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। और इसी युद्ध में क्या हुआ कंपनियां क्या करने लगी रिस्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। अब वो क्या करने लगे युद्ध संबंधित जो गुड्स थी ना वो बनाने लगे, यानी कि जो सामान या जो चीजें युद्ध में काम आती है ना अब उनका उत्पादन करने लगे, जो आज तक भी चल रहा है। परमाणु बम की क्या जरूरत पड़ी है किसी को, सबको पता है कि परमाणु बम बनेगा उससे करोड़ों लोग एक साथ मर जाएंगे, ये इतने लड़ाकू विमान है इतने पावरफुल क्यों बना रहे हैं, इससे क्या हो गया, इन चीजों से बनाने से क्या हो गया कि जो वॉर मेकिंग गुड्स थी ना इंडस्ट्री थी, वॉर मेकिंग गुड्स इंडस्ट्री थी वो बूम कर गई। इसके बाद एंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज फॉर वॉर। और सारे के सारे जो समाज था ना वो युद्ध के लिए दोबारा से ऑर्गेनाइज हो गया यानी कि संगठित हो गया। एज ए मैन वेंट टू बैटल। अब जो व्यक्ति थे वो तो लड़ाई करने के लिए जाते थे पुरुष। वुमेन स्टेप्ड इनटू द अंडरटेक जॉब्स। अब औरतें रह गई घर पे तो अब उनको है ना क्या करना पड़ गया जॉब करनी पड़ गई। अब वो कहाँ चले गए अंडरटेक जॉब, अब वो जॉब करने लगी। एंड अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू। इससे पहले केवल क्या माना जाता था कि भाई सिर्फ मैन ही करेंगे बाहर का काम और औरतें घर का काम करेंगी। अब मैन तो चले गए हैं युद्ध में लड़ने के लिए तो औरतों को मजबूरी में काम पे जाना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले ना युद्ध ये काम पे जॉब पे नौकरी करने के लिए यूरोप में पहले करने लगे थे औरतें। इसका एक कारण ये भी है। द वॉर लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। तो इस वार से क्या हो गया स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स। जो पहले वो इकोनॉमिक ट्रेड हो रहा था ना यानी कि आर्थिक व्यापार हो रहा था वो भी स्नैप कर दिया, वो भी खत्म कर दिया इस युद्ध ने, है ना, क्योंकि वो पहले तो एक दूसरे से ट्रेड कर रहे थे अब वो युद्ध कर रहे हैं। विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम। अब वो दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं इसके लिए। पहले तो उन देशों के रिलेशन थे ट्रेड के, अब क्या हो गए वो एनिमी हो गए। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम US बैंक एज वेल एज द US पब्लिक। और ब्रिटेन आपको पता ही है कि इस वॉर में भी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी था, तो ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक जो वो थी ना इकोनॉमिक कंडीशन थी वो वीक हो गई। अब उसको युद्ध तो लड़ना था, अब युद्ध में आपको पता है जो इतने बड़े बड़े वेपन्स थे जो वॉर वेपन थे वो यूज किए जा रहे थे तो उनके लिए पैसे चाहिए थे, पैसे ब्रिटेन के पास थे ही नहीं तो ब्रिटेन किससे बोरो कर रहा था USA से, USA के बैंक से भी और USA की पब्लिक से भी, ठीक है। दस द वॉर ट्रांसफॉर्म द US। और इस प्रकार USA का रूप बदल गया, USA जो कंट्री था ना अब उसका रोल बदल गया किस चीज में, फ्रॉम बींग एन इंटरनेशनल डेटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। जो पहले पूरे विश्व का क्या था ऋणदाता था अब वो पूरे विश्व को ऋण देने वाला हो गया USA। पहले आपने देखा ना इनको गुलाम बना था ब्रिटिशर्स ने और जो यूरोपियंस थे वो आए थे वहां पे, पहले तो वो उनका गुलाम था अब वो उसके गुलाम हो गए इसकी वजह से वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर की वजह से। इन अदर वर्ड्स द वॉर एंड्स USA एंड इट्स सिटीजन्स ऑन मोर ओवरसीज असेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ऑन इन द USA। और युद्ध के बाद क्या हुआ दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो USA कंट्री था और USA के जो नागरिक थे अब उनके पास है ना ओवरसीज में यानी कि विदेशों में काफ़ी ज़्यादा
प्रॉपर्टियाँ होगी, असेट्स हो गए उनके पास, वहाँ पे पैसा हो गया उनके पास, विदेशों में विदेशों की प्रॉपर्टियाँ वो खरीदने लगे, क्योंकि उनके पास जो फॉरेन गवर्नमेंट थी ना और सिटीजन थे, उनसे भी ज़्यादा यूएसए के पास क्या हो गया है, यूएसए के नागरिकों के पास वहाँ के लोगों से भी ज़्यादा असेट और पैसा उनके पास हो गया। एक यूएसए का नागरिक है, यूएसए के नागरिक को ब्रिटेन में, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं ना, वहाँ पे असेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए उनके, क्योंकि उन्होंने उधार दिया था उनको, तो उसके बदले में उन्होंने चीज़ें ले ली। ये तो था युद्ध, ये तो हमारा वर्ल्ड वॉर था। अब देखो पोस्ट वॉर रिकवरी, अब इसके बाद रिकवरी कैसे हुई, युद्ध के बाद की रिकवरी कैसे हुई। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफिकल्ट, अब वही युद्ध के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड, जो ब्रिटेन युद्ध से पहले के टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या था, वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमिक इकोनॉमी था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और सबसे आगे था ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। इन ए पार्टिकुलर फेस्ड ए प्रोलॉन्ग क्राइसिस, अब उसके सामने है ना काफ़ी लंबा क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। वाइल ब्रिटेन वॉज प्रीऑक्यूपाइड विद वॉर, इंडस्ट्री हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान, और जब इंडिया, जो ब्रिटेन था जो युद्ध में लगा हुआ था, उसी टाइम पे इंडिया में और जापान में इंडस्ट्रियाँ भी क्या हो गई, ग्रो हो गई, क्योंकि ये उसके गुलाम थे ना यहाँ पे। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजिशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट, और युद्ध के बाद अब ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया, पहले तो इंडियन मार्केट में उसका कब्जा था, अब इंडियन मार्केट में दोबारा से वो अपने पैर नहीं जमा पाया, क्योंकि बाकी देशों ने वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट तो चलेगी, अब एक कंट्री छोड़ देगा बिजनेस करना तो मार्केट तो चलेगी। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये जैसे ईरान का है, ईरान की मार्केट के साथ यूएसए ने बंद करा दिया बिजनेस करना, जो जो देश यूएसए की मानते हैं, जैसे इंडिया ने बंद कर दिया, लेकिन मार्केट तो वहाँ की चल रही है, चाइना आ गया वहाँ पे, मार्केट तो चल रही है ना कंट्रियों की, ऐसे ही तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ। एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली, अब उसको है ना जापान के साथ इंटरनेशनली कम्पीट करना भी, कंपटीशन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। मोर ओवर टू फाइनेंस वार एक्सपेंडिचर्स, वहीं दूसरी ओर जो युद्ध के खर्चों का जो पैसा उसने उठाया था ब्रिटेन ने, हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम यूएसए, उन्होंने यूएसए से काफ़ी ज़्यादा ले लिया, लिबरली का मतलब काफ़ी ज़्यादा ले लिया उन्होंने। दिस मीन दैट द एंड ऑफ द वॉर ब्रिटेन वॉज बर्डन विद अ ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट, इसका मतलब यही था कि युद्ध के बाद अब ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेब्ट्स यानी कि कर्जा चढ़ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही बात है ये तो। इसी के बाद आपने यहाँ पे भी देखा होगा इंडिया में भी, उसके बाद हमारे यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का मूवमेंट थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, ग्रो कर गए थे। क्यों? क्योंकि पता चल गया था हमारे क्रांतिकारियों को भी कि जो ब्रिटेन है ना अब वो वीक हो गया है, और यही वजह थी ब्रिटेन के यहाँ से जाने की, वजह भी यही थी कि ब्रिटेन क्या हो गया था, फाइनेंशियली वीक हो गया था। द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, दैट इज टू ए लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और युद्ध के बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक बूम हुआ, यानी कि अर्थव्यवस्था में एकदम से चढ़ाव आया। कैसे? देर इज ए लार्ज इंक्रीज इन द डिमांड, अब डिमांड बढ़ गई किस चीज़ की, प्रोडक्शन की बढ़ गई, और एम्प्लॉयमेंट की भी, रोजगार की भी, रोजगार के अवसर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। वन द वॉर बूम्ड एंडेड, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और जब वॉर बूम खत्म हुआ जो प्रोडक्शन थे वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टेड हो गए, उनको कम कर दिया गया, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और दोबारा से फिर बेरोजगारी बढ़ गई। युद्ध के टाइम में तो रोजगार बढ़ गए थे, प्रोडक्शन बढ़ गया था, क्योंकि जो वॉर इंडस्ट्री थी, जो वॉर इंडस्ट्री थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी ना, अब वो कम हो गई। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद पीस टाइम रिवेन्यू, और वहीं एट द सेम टाइम उसी समय पे क्या कर रहे थे, द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर, जो ब्रिटेन, जो गवर्नमेंट के ऊपर जो ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर था, यानी कि उस बड़े युद्ध का जो इतना बड़ा जो एक्सपेंडिचर था वो भी देना था उसको, एक्सपेंडिचर होता है कर्जा, वो कर्जा, टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद द पीस टाइम रिवेन्यू, और उसको
लाइन में लाने के लिए उन्हें पीस टाइम यानी कि शांति स्थापित करने के लिए उनको रिवेन्यू चाहिए था, पैसे चाहिए था। दिस डेवलपमेंट लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेज, और इसी डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जॉब क्या हो गए, ख़त्म हो गई। इन 1921 में 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर यानी कि हर 5 में से एक ब्रिटिश के हर 5 में से एक वर्कर का क्या हो रहा था, वाज आउट ऑफ वर्क, उसका काम खत्म हो गया यानी कि बेरोजगार हो गया। हर 5 व्यक्ति जो काम पे लगे हुए थे उनमें से एक क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। ये थी 1921 की बात है। इंडीड एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम ए एंड्यूरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वार सिनेरियो। अब युद्ध के बाद का जो सिनेरियो था यानी कि जो दृश्य था, सीन था, अब कैसे हो गया ब्रिटेन का कि लोगों के अंदर एंजाइटी यानी कि चिंता बढ़ गई, अनसर्टेनिटी यानी कि उनको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है कब, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता होती है, चिंताएं और अनिश्चितताएं बढ़ गई लोगों के अंदर अबाउट द वर्क यानी कि काम को लेके। जैसे अब पेंडेमिक आया है ना, ये कोविड वर्क, कोविड के बाद अब लोगों की जो वर्किंग क्लास है उन सब के लिए एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी बढ़ गई है ना। ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में हो गई थी, अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा चल रहा है। वो वॉर में हुआ था उस टाइम पे, लेकिन उसमें तो ये भी तो आता ना, उसमें तो लोगों की लॉसेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें नहीं हुआ इतना, उसमें लॉसेज काफ़ी ज़्यादा हो गए, इसमें सिर्फ काम धंधे ठप हुए हैं। ये तो रिकवर हो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा इसको भी रिकवर होने में। और इसलिए तो कहते हैं कि कंट्री को वॉरफेयर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वॉरफेयर में लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है और उस कंट्री की इकोनॉमी है ना काफ़ी पीछे चली जाती है। जैसे आप ब्रिटेन के साथ देख, क्या तो ब्रिटेन पूरे विश्व का विजेता था और या फिर वो क्या हो गया, पूरे विश्व का कर्जदार हो गया है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। मैनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वर ऑल्सो इन क्राइसिस, वहीं बहुत सारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी जिनमें कृषि के प्रोडक्टों को काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, वो भी क्राइसिस में आ गई। कंसिडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर, यहाँ पे आप वीट प्रोड्यूसर्स का केस ले सकते हो। बिफोर द वॉर, युद्ध से पहले, ईस्टर्न यूरोप वॉज ए मेजर सप्लायर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड मार्केट। युद्ध से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था यानी कि ईस्टर्न यूरोप जहाँ पे रशिया वगैरह आता है ना, हमारा रशिया, अजरबैजान, ये ईस्टर्न यूरोप में आते हैं, तो उधर के जो कंट्री थे वो क्या कर रहे थे, वो वीट के वर्ल्ड मार्केट में सबसे बड़े सप्लायर थे, अनाज को सबसे ज़्यादा वहाँ पे बेचते थे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। व्हेन द सप्लाई वाज डिसरप्टेड ड्यूरिंग द वॉर, लेकिन जब युद्ध हुआ तो युद्ध के बाद क्या हो गई वहाँ पे, यह सप्लाई डिसरप्ट हो गई यानी कि रुक गई। एंड वीट प्रोडक्शन इन कैनेडा, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, और उसके बाद क्या हो गया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे जो कंट्री थे वो भी काफ़ी बड़े कंट्री थे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इसका, वीट का, और उनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया वर्ल्ड मार्केट में। पहले तो था यूरोपियंस का, अब किन का हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा एंड यूएसए, ठीक है। ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइन, और अब क्या हो गया, जो ग्रेन प्राइसेस थे यानी कि जो अनाज के जो दाम थे वो भी कम हो गए और इनकम भी कम हो गई। एंड फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेब्ट, अब जो किसान थे ना वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में गिर गए। तो ये था फ्री पोस्ट वॉर रिकवरी, युद्ध के बाद क्या रिकवरी हुई ब्रिटेन की। इसके बाद है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज यहीं तक करते हैं।